आपका स्वागत है नई वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं एएफसी कप के बारे में। तो एएफसी कप में कल पहला जो मैच था उड़ीसा एफसी वर्सेस माजिया, तो ये मैच उड़ीसा ने लाइक एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कमबैक करते हुए 3-2 से जीत लिया है। एंड नो डाउट उड़ीसा के लिए बिल्कुल भी इजी मैच नहीं था, क्योंकि मैच के स्टार्टिंग के एक दो मिनट के अंदर ही लाइक यू नो माजिया ने पहला गोल कर दिया था, जो कि लाइक थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल था, लेकिन वो एक्चुअली में गोल था, ऐसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं था, वो एक्चुअली में गोल था क्लियर। एंड इसी की वजह से वो गोल दिया भी गया। फिर बाद में एक पेनल्टी मिला माजिया को, जिसको बेलवरविच ने कन्वर्ट किया उस पेनल्टी को, वो भी जेन्युइन पेनल्टी था। तो फर्स्ट हाफ पूरा डोमिनेट किया माजिया ने, एंड उड़ीसा पता नहीं बहुत ही ज्यादा एक लॉस्टेड टीम नजर आ रहा था फर्स्ट हाफ में, लेकिन सेकेंड हाफ में उड़ीसा ने जो कमबैक किया है वो नो डाउट बहुत ही ज्यादा बढ़िया कमबैक था। लाइक मुर्तजा फॉल ने पहले कॉर्नर से गोल किया, जो कि काफी बढ़िया गोल था। फिर उसके बाद अहमद जाहू के एक लॉन्ग लाइक फ्री किक से डिएगो माउरिसियो ने हेडर करके गोल किया, वो भी बहुत ही बढ़िया गोल था। लेकिन फाइनली 85 मिनट में आके रॉय कृष्णा ने जो ड्रिबलिंग करके गोल किया, लाइक वर्ल्ड क्लास लेवल का गोल, एंड इसी के साथ साथ उड़ीसा ने ये मैच 3-2 से जीत लिया। एंड एज बिकॉज कल का जो दूसरा मैच था वो मोहन बगान ने हारा है, तो अभी ये ग्रुप पूरा ओपन हो चुका है। तो उड़ीसा अगर नेक्स्ट 2 मैचेस भी जीत जाते तो वो नॉकआउट के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। सो ग्रुप बहुत ही ज्यादा एक ट्विस्टेड ग्रुप हो चुका है। एंड ऐसा नहीं कि माजिया टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है, वो भी है, लेकिन मेनली लड़ाई उड़ीसा मोहन बगान और बसुंधरा के बीच में ये भी होगा। एंड इजी तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है किसी भी टीम के लिए, ना ही उड़ीसा के लिए, ना ही मोहन बगान के लिए, ना ही बसुंधरा किंग्स के लिए। एंड बसुंधरा किंग्स को एटलीस्ट एक मैच ड्रॉ करना होगा, तब जाके यू नो मोहन बगान या फिर उड़ीसा दोनों में से कोई एक क्वालिफाई करने वाले। तो डेफिनेटली उड़ीसा को जीतना ही होगा, उड़ीसा के पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, उनको जीतना ही होगा, वही एकमात्र ऑप्शन है दोनों ही मैचेस। एंड लाइक ये इजी है, क्योंकि उड़ीसा के पास अभी नथिंग टू लूज है, उनको जीतना है तो जीतना है, हारने से या ड्रॉ से उनका कुछ ज्यादा होगा नहीं। अभी बाकी का टूर्नामेंट बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन चुका है। एंड कल का मैच में उड़ीसा का ओके लाइक यू नो लाइक तीनों फॉरेनर्स ने गोल किया, बट अहमद जाहू का भी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा टॉप नॉच था, आइजैक का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, सीवाई गुडार्ड ने काफी बढ़िया गेम खेला, तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा गेम। अब देखते हैं कि आने वाले नेक्स्ट मैचेस में उड़ीसा का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। अब लोग बात करते हैं आईएसएल के बारे में, तो कल आईएसएल का भी एक मैच था, काफी नेग्लेक्टेड मैच हुआ, लेकिन मैच था कल आईएसएल का पंजाब वर्सेस हैदराबाद। एंड ये मैच एक टाइम पे लग रहा था कि पंजाब जीत जाएगा, लेकिन एंड में आते आते हैदराबाद ने इस मैच को ड्रॉ में एंड कर दिया, फाइनल स्कोर लाइन था 1-1। एंड ये मैच भी लाइक कुछ अटैक्स हुआ है, लेकिन बहुत कुछ ज्यादा खास मैच हुआ नहीं। हाँ, कल के मैच पे पंजाब को जुआन मीरा ने गोल भी किया, बट ओवरऑल उनका परफॉर्मेंस भी पूरे मैच में अच्छा था। हैदराबाद का भी लाइक थोड़ा सा टूटा फूटा परफॉर्मेंस, लेकिन जोनाथन मोया ने जो एकदम लास्ट मोमेंट में गोल किया वो भी काफी कमाल का गोल था। एंड यू नो मैच काफी एवरेज काइंड ऑफ हुआ, ऐसी दोनों ही टीम्स पॉइंट्स टेबल में एकदम बॉटम में, एंड अभी तक दोनों ही टीम्स ने एक भी मैच नहीं जीता है, तीनों मैचेस ड्रॉ करवाया है। सो लाइक मुझे लग रहा था कि शायद इस मैच से एटलीस्ट एक मतलब 3 पॉइंट्स वो लोग लेके जा सकते हैं। एक्चुअली हैदराबाद के पास चांस भी था कि 3 पॉइंट्स वो लोग इस मैच से ले सकते थे, बट सैडली वैसा नहीं हुआ। अब देखते हैं कि आने वाले मैचेस में इनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं आई लीग के बारे में, तो आई लीग में आज मैच है चर्चिल ब्रदर्स वर्सेस रियल कश्मीर, वैसे ये कश्मीर का होम मैच है। एंड नो डाउट एक काफी इंटरेस्टिंग सा मैच होने वाला है, क्योंकि रियल कश्मीर करेंटली पॉइंट टेबल में काफी सही पोजीशन में है। चर्चिल का सीजन का स्टार्ट उतना कुछ ज्यादा खास रहा नहीं है, लाइक पहला मैच उनका ड्रॉ में ही एंड हुआ था, एक ही मैच खेला है वैसे अभी तक। एंड रियल कश्मीर के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि ये मैच जीत के वो डायरेक्टली फर्स्ट पोजीशन में जा सकते, करेंटली मोमेडन फर्स्ट पोजीशन में, क्योंकि कल मोमेडन ने लाइक पूरा उड़ा दिया था ट्राओ को, एंड लाइक यू नो बहुत बहुत वन साइड 6-0 से जीता है वैसे। एंड रियल कश्मीर नो डाउट अगर ये मैच जीत जाए तो वो नंबर पोजीशन में चले जाएंगे। चर्चिल ब्रदर्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि अगर उनको भी टॉप के कंपटीशन में रहना है तो उनको ये मैचेस जीतना होगा, ताकि एक अच्छा खासा लाइक स्टार्ट मिल सके सीजन का, एक अच्छा स्टार्ट होना भी काफी इंपॉर्टेंट होता है फ्यूचर के लिए। एंड चर्चिल ब्रदर्स भी टारगेट कर रहे हैं कि वो नेक्स्ट ईयर आईएसएल में खेलेंगे, सो इसी के वजह से इस साल आई लीग भी काफी ज्यादा कॉम्पिटेटिव हो रहा है। सो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इस मैच का रिजल्ट फाइनली क्या होता है। सो गाइस ये आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद, अगर वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करना, शेयर करना स्क्विच में, एंड अगर आप इस चैनल नए हो को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, बेल आइकन दबाना, ताकि मैं जब भी अपलोड करूं तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड मैं लोग साथ, तब तक के लिए बाय।